हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार वो एनिमेशन आप देखिए। मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित के किताब में हर उलझन का जवाब है? तो गाइस, ये एक स्टोरी का छोटा सा सीन है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो ये करेक्टर है, जिस तरह इसका फेस का एनिमेशन हो रहा है, आईज का जो आईब्रो ऊपर जा रहा है, किस तरह ये यहाँ पे ड्राइंग बदला, ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी करेक्टर लेके रखा हूँ, इसी करेक्टर में काम करूंगा। और गाइज, आपको पहले बता दूं, अगर आपको ये करेक्टर चाहिए तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे करेक्टर को पहले भी दिया हूँ और टेलीग्राम के चैनल पर भी करेक्टर दिया, उन्हीं करेक्टर पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, अभी जाके टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन फ्यूचर जब मुझे लगेगा कोई करेक्टर शेयर करना चाहिए तो मैं वहां पे जाके आपको आपके साथ वो चीजें शेयर करता हूं। तो बने रहना वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jio.edu है, यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jio.edu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहाँ से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइज, बाकी यहाँ पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे, जो भी पिछले वीडियो है सब यहाँ पे आएंगे, और आने वाले टाइम पे हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइज, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है कि यहाँ पे जो ये करेक्टर है, इसका जो फेस का एनिमेशन हुआ कैसे हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये करेक्टर है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे लेके रखा हूँ। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो करेक्टर है ग्राफिक डिजाइन बनाता है, ग्राफिक डिजाइन का स्केचिंग अच्छा होना चाहिए। और अपने चैनल पे ग्राफिक की वीडियो आएगी, जब तक अपना 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं ग्राफिक पे वीडियो नहीं लाऊंगा। क्योंकि आप ही आपको भी पता है, मैंने एनिमेटर पे लेवल पे, सेमी एपिसोडिक लेवल पे काफी ज्यादा वीडियो लाया हूं। आपको सपोर्ट करना होगा, शेयर करो चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ताकि अपना चैनल जल्दी से जल्दी 10K को कंप्लीट करें। बहुत अच्छा फैमिली अपना जा रहा है, मुझे उम्मीद से मेरा जितना था उतना नहीं है, लेकिन अच्छा है। तो गाइस, ये जो करेक्टर है ग्राफिक डिजाइन बनाता है, इसके अंदर चला गया, सारा का सारा मैंने डिवाइड किया हूं यहां पे, एक एक करके अलग अलग डिवाइड किया हूं। यहां पे देखो तो ये रिग का पार्ट आता है, तो सारा ये प्रॉपर तरीके से रिग हुआ है। अगर आपने रिग वाला वीडियो नहीं देखा तो रिग वाला वीडियो देख लेना, तो प्रॉपर तरीके से ये रिग हुआ है। और यहां पे आई ब्लिंकिंग वगैरह हो चुका है सबका, सभी आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखना, लिपसिंग भी हो चुका है, लिपसिंग वाला वीडियो देखना। तो यहां पे जो ऑडियो मुझे इसके अकॉर्डिंग एनिमेशन लाना है। मैं भी तो देखूं, ये कहता मैं भी तो देखूं। यहाँ पे जो आईब्रो का एनिमेशन है ना, मुझे ये करना है। तो यहाँ पे जिस तरह एनिमेशन हुआ है, मुझे ये वाला एनिमेशन करना है, जिस तरह ये ऊपर की ओर देख रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जब ये यहाँ पे आया, मुझे इसके अकॉर्डिंग करूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह यहाँ पे बात कर रहा है ऐसा, तो मैंने क्या करना है, जैसे पीछे देखोगे आप यहाँ पे, मैं अगर इसको लेके चलूं तो इस तरह ये ऐसा कर रहा है, उसके बाद ये ऊपर की ओर देख रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे पहले तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे F6 की लगा देना, F6 से मैंने की लगा दी, और आगे जाके भी नॉर्मल से इतने इतना नॉर्मल से 6-7 का फ्रेम का आप डिफरेंस दे सकते हैं। मैंने F6 कर दिया, F6 करने के बाद यहाँ पे क्लासी ट्विन दे दिया। क्लासी ट्विन देने के बाद वही पुरानी वाली मैं टेक्निक कर रहा हूँ। तो अभी मैंने पूरे को, मैंने अपर बॉडी को पकड़ा, और यहाँ पे जो सीखने वाली बात है ना, खाली आईज में जो एनिमेशन होगा वो ध्यान से देखना, वो आपको सीखने वाली चीज़ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मैंने इस तरफ किया ऐसा, और हेड को मैंने थोड़ा सा इस तरफ किया। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी जब एक्टिंग करते हो आप, पहले आपको एक्टिंग खुद करना होता है, मतलब खुद अपना मतलब रियल एक्टिंग कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि एक्टिंग वो मतलब आपने किया ये टेक्निक से, पहले एनिमेटर खुद एक्टिंग करता है उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करता है। तो इस तरह मैंने तो पहले से कर रखा है, इसलिए मुझे पता है इस एक्टिंग के, मुझे इस तरह एक्टिंग करना है इसमें। तो अभी देखोगे इस तरह यहाँ से ये इस तरह आ चुका है ऐसा, इतना हो चुका है, ये इतना हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना होने के बाद ये ऊपर की ओर जाता है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल इस पे F6 करना है, और यहाँ पे आके एक और लगाना है F6, और यहाँ पे भी लगाना है F6। तो इतना कर दिया मैंने, और यहाँ पे आने के बाद 3 की लगा दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे इज आउट कर दिया, और इज आउट के बाद नीचे आया, इसको इज इन कर दिया। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आया। अब मैंने कि जो आईज में एनिमेशन होगा वो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इसको बिल्कुल बीच में रखना, ऑफकोर्स इसको बीच में रखना है। तो इसको ऑल्ट के साथ नीचे रख लिया, ज़्यादा नहीं करना, पहले देख लेना कितना किया। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली इतना किया, और इसको मैंने नीचे की ओर लाना है, तो नीचे को ला लो, और थोड़ा सा आप रोटेट भी कर सकते हो इस तरह, मैंने शिफ्ट के साथ करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह नीचे की ओर झुकता है, और इस तरह, तो ये कर दिया फेस का। और फेस के बाद हम हाथ का भी कर देते हैं, थोड़ा सा इस तरह रखता हूँ, या फिर ये हाथ आगे की तरफ आएगा तो इस तरफ कर देता हूँ, इस वाला हाथ को थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। तो ये कैसा हुआ,
ये इस तरफ, और आगे वाला जो लास्ट वाला की है ना, लास्ट वाले की में चला गए, अपर बॉडी को सिलेक्ट किया, सेम यहाँ पे आए और इस तरह आगे कर दिया। ये एक नॉर्मल सा एक स्मार्ट वर्क टाइप का करने का, कि यानी कि आपने एक्टिंग पहले से सोच कर रखा, इस तरह का एक्टिंग सब जगह फिट हो जाता है, तो आपने इस तरह कर दिया, तो ये कर दिया। और बाकी आप जो स्टोरी जब बनाते हो ना तब सीखते हो, तो वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सीखते हो, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बदलता रहता है। तो हमें अगर ये हाथ को आगे करना है तो मैं इस तरह इसको यहाँ को इतना करूंगा इस हाथ को, और इसको मैं पीछे कर दूंगा, कहाँ लास्ट वाले में कर रहा हूँ। अब मुझे हाथ को मोड़ना है, तो यहाँ पे 28 मुझे याद रखना, अब मुझे इस वाले हाथ के अंदर जाना है। तो इस वाले हाथ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे की लगा दिया ऊपर वाले पे, और यहाँ पे मैंने 28 भी की लगा दिया। अगर आपको लग रहा है ये यहाँ पे लेयर्स कैसे डिवाइड हुआ है, ये सब रिग का पार्ट होता है, आपको रिग आना चाहिए, वो रिग वाला वीडियो देखना, वहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताया हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो पहले मैं बता चुका हूँ, 100 से ज़्यादा लेक्चर दे चुका हूँ, पुराने वीडियो देखिए। तो इस तरह मैंने इसको ऊपर उठा दिया यूँ, और इसके अंदर जाके भी मैं काम कर सकता, जैसे ये वाला हाथ है तो मैंने प्रॉपर तरीके से अंदर भी किया। तो आपको बस ये सिंबल के साथ काम करना, मतलब धीरे धीरे आदत पड़ती है, एकदम आदत नहीं पड़ती है। तो इस तरह मैंने ऊपर की ओर कर दिया, और ये मैंने नीचे की ओर कर दिया यूं। तो अभी देखोगे आप, बाहर आया, यहाँ से बाहर आया, तो नॉर्मल ये इस तरह हाथ उठा रहा है ऊपर की ओर। तो अब ये बोलता है मैं भी तो देखूं, यहाँ से जब आप सुनोगे यहाँ पे मैं भी तो देखूं, तो यहाँ से बोलता है कि मैं भी तो देखूं। तो अभी क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो ये फेस है, फेस के अंदर भी काम करना है। एक्चुअली में यहाँ पे देखोगे हाथ के का, हाथ का काम हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, इतना हो चुका है, अभी मैं फेस के अंदर काम करूंगा। इससे पहले यहाँ से जब बोल रहा है कि ये इस तरह, तो यहाँ पे अगर मैं ये इस तरह कर रहा है, तो मैं यहाँ पे भी पहले फेस के अंदर काम कर सकता हूँ। तो मुझे पिछला की याद रखना है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो आगे आया, और आगे आने के बाद यहाँ पे इसके अंदर चला गया फेस के अंदर, और फेस के अंदर देखोगे सारी लेयर डिवाइड है। तो यहाँ पे F6 कर लेना, F6 कर लेना, और पीछे मैंने 3 पे जाके F6 कर देना। तो पीछे आया, 3 पे जाके F6 कर दिया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे आया इज आउट कर दिया। और इज आउट करने के लिए आप यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, और यहाँ ऊपर की ओर ड्रैग कर सकते हो, ऐसा कर दिया। और इस फेस को मैंने थोड़ा सा उठा के ऊपर की ओर किया, किसको, मुझे जो अंदर का पार्ट है उसको मुझे पकड़ना है, खाली ये वाले पार्ट पकड़ना है जो अंदर वाले पार्ट है। तो इसको मैंने ऊपर की ओर कर दिया, ऐसा मामूली से ऊपर कर लो या ज़्यादा ऊपर कर लो आपको मर्जी, और कान को थोड़ा सा नीचे की ओर कर दिया। और ये अगर मैंने अलग से किया, ये इस तरफ कर दिया थोड़ा सा इस तरफ, जैसे ऊपर की ओर उठता है इस तरह। तो ये जो जिस तरह हमने डिवाइड किया ना, ये सब रिग का पार्ट रहता है, आपको पहले से प्लानिंग करना होता है किस तरह आपको आगे जाके एडमिशन करना है, उसी तरह आपको ये सारी की सारी लेयर पे डिवाइड करना होता है। तो मैंने इतना कर दिया, जैसे ये यहां से देखोगे ये फेस ऊपर की ओर उठता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एनिमेशन हो चुका है, यहाँ पे देखोगे इस पे भी एनिमेशन हो चुका है। ये सब प्लानिंग की बात होती है, और थोड़ा सा ये सोचता है। तो सोचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, और यहाँ पे जाके की ले लिया, पहले तो यहाँ पे F6 कर दिया, और यहाँ पे आया, यहाँ पे भी F6 कर दिया, और यहाँ पे भी थोड़ा आगे लेके F6 कर दिया, और सबको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके क्लासिक ट्विन दे दिया। और बीच में आया, यहाँ पे बीच में आने के बाद थोड़ा क्लोज किया, क्योंकि क्लोज से हमें प्रॉपर तरीके से होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की ओर करता हूँ, थोड़ा सा मामूली सा नीचे की ओर किया, तो देखोगे तो इतना सा फील आ रहा है। अगर मुझे लगता है कि और लाना थोड़ा, तो सबको सिलेक्ट कर देना, शिफ्ट के साथ करना, शिफ्ट के साथ सब सिलेक्ट हो जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा और लाया, तो यहाँ पे देखोगे अभी इतना सा हो रहा है, इतना सा हो रहा है। तो मैंने अभी सबको ऑल्ट के साथ उठाना है, ऑल्ट के साथ इसको आगे रखना है, ऑल्ट को दबा के रखना, आगे ला दिया। जब आप आगे लाओगे ना, तो आप देखोगे कि कोई भी ग्राफिक में आप क्लिक करते हो, कोई भी सिंबल में क्लिक करते हो, यहाँ पे 15 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 21 है। इसको हमें 21 करना पड़ता है। तो इसको राइट क्लिक करके और सिलेक्ट ऑल फ्रेम को सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज से क्या होता है, अब आप ये देखो जो 15 था वो 29 बन चुका है, यानी कि इसके अंदर भी हम 29 पे ही आएंगे। इससे क्या होता है, मैच होता है अंदर बाहर की लेयर, तो इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज। तो गाइज ये छोटी छोटी चीजें आपको ट्यूटोरियल के अंदर मिलती है, तो प्लीज ट्यूटोरियल को पूरा देखिए, ताकि मेरा वॉचिंग टाइम भी अच्छा है, अपना चैनल पर ग्रोथ मिले, और चैनल पर ग्रोथ मिलती है तो सब्सक्राइबर जब जुड़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो इतना हो गया, यहाँ पे इतना सा थोड़ा सा सोचा, और इसके बाद ये नीचे झुकता। अब यहां पे तो मैंने ऑलरेडी हाथ पे काम कर दिया, यहां पे ऑलरेडी हाथ पे काम कर दिया। मुझे पिछला वाला की याद रखना 21, और अगला वाला की याद रखना 30 35। अब मुझे फेस के अंदर जाना है, इसी फेस के अंदर जाने के बाद यहां पे मुझे F6 करना है, तो यहाँ पे मैंने F6 कर देना है। और यहाँ पे देखोगे आप ऑलरेडी यहाँ पे की लगा है, तो मैं क्या करूँगा यहीं पे इतने पे रखूँगा, आगे मैं खाली 35 पे की लगा दूंगा, और 35 पे मैंने F6 कर देना है। और यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना है। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैं दोनों को इज आउट कर देता हूँ, और इस वाले को बट मैं इज इन करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे की लगी है ना इसके लिए, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बट मैंने इतना कर दिया। और इतना करने के बाद यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर देना ऐसा, और फेस को मैंने नीचे की ओर कर दिया यूँ। तो इतना कर दिया फेस को नीचे, और यहाँ पे कान तो नजर नहीं आ रहा, तो कान को ऊपर कर दिया, और थोड़ा सा इसको इस तरह बाहर की ओर कर दिया, ताकि ये इस तरह ये हो जाएगा। और साथ में गाइस यहाँ पे जब ये बंद होता है, तो यहाँ पे हमें आईज को बंद करना है, अंदर चला गए और यहाँ पे आए, यहाँ पे F6 कर दिया।
यहाँ पे F6 कर दिया, और यहाँ पे F6 इसलिए किया ताकि मुझे इसको देखना है कि कहाँ पे मुझे बंद करना है, यहाँ पे 28 पे बंद करना। और ये जो आई ब्लिंकिंग किया, अगर आपने आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाके देखिए आई ब्लिंकिंग कैसे करते हैं। ऑल्ट के साथ इसको आगे उठाया, ऑल्ट के साथ जब आगे उठाते हो यहाँ पे बंद हो जाता है। लेकिन गाइज मुझे इसका नहीं, इस वाले का ड्रॉइंग चेंज करना है, यही चीज़ को मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला था। तो इस तरह नीचे की ओर आता है यूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा लाता हूँ इसको, इसके अंदर चला गया और इसको मुझे और लाना है। तो इस तरह मैंने इसको नीचे की ओर किया। जब मैं नीचे की ओर करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये भी नीचे आना चाहिए, तो इसको मैंने शेप ट्विन करके रखा। तो इस तरह नीचे आया, तो ये नीचे और फिर इसके बाद ये ऊपर। तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बंद है आइज, और यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेफरेंस के लिए पहले एक ले लूँगा, और इसके बाद यहाँ पे सारा का सारा जो एनिमेशन है इसको ऑल्ट के साथ उठाऊंगा, और ऑल्ट के साथ उठाने के बाद मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। यहाँ पे छोड़ने के बाद आप देखोगे इस तरह बंद हो गया आइज, तो यहाँ पे बंद हो गई, और यहाँ पे देखोगे कितना नीचे डाउन हुआ। तो मुझे भी इसको इतना ही डाउन करना है। यहाँ पे आया, इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया, ऐसा इतना सा डाउन कर दिया, इतना सा डाउन कर दिया यहाँ पे। अब इतना सा डाउन कर दिया, और इसके बाद मैं अगर इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और सबको लॉक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह डाउन होती है। ठीक है, ये डाउन हो चुकी है, यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। तो यहाँ से इस तरह जब डाउन होती है तो ये यहाँ पे अभी भी है, तो मुझे इसको ऑन करके रखना, जो जो अपना नीचे वाला पार्ट रहता है। यहाँ पे देखो ऑन ऑफ करता हूँ मैं, तो ये पिछला वाला पार्ट है जिसको मैंने शेप ट्यून में करके रखा है, इसको मुझे इस तरह करना है नीचे की तरफ। तो इस तरह मैंने नीचे की तरफ कर दिया, तो ये इस तरह नीचे की तरफ आया। लेकिन जो अपना यहाँ पे मेन जो अपना एनिमेशन था इस वाले का था कि ये इस तरह ऊपर कैसे करता है, ये नीचे रह जाता है, जब ये नीचे लाता है तो ये नीचे रह जाता है, और ये ऊपर की ओर कैसे होता है, तो हमने ये सीख ना यहाँ पे। तो मैंने क्या करना, जो ये वाला यहाँ पे फर्स्ट वाला है, तो ये इस तरह हो चुका है, पर लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही रखूंगा इतना, और यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ अगर मुझे इसको ज़्यादा नीचे रखना है। तो इतना कर दिया, और इसको मैंने नीचे ही कर दिया थोड़ा सा, तो मैंने इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद मैं बाहर आया, और मुझे बाहर आने पे ये इतने पे इतने खुल जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, ये जो फेस है इसको मैं ऊपर उठा सकता, पहले तो मैं इस फेस को ऊपर उठा दूँ। तो इसको मैंने सबको पकड़ा और इसको ऊपर की ओर कर दिया, यूँ इसको ऊपर की ओर कर दिया। और जो इसका आइज है ना, आइज का जो ड्राइंग है मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कैसे चेंज करना है, पहले तो मैं यहाँ पे इसको ऑन रखूंगा, यहाँ पे ऑफ है, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके अंदर जाना है मुझे। यहाँ पे देखोगे कितना 8 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में ये यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 28 है। कभी कभी ऐसा रहता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, और सिलेक्ट ऑल फ्रेम करना, सिंक्रोनाइज करना। अगर सिंक्रोनाइज नहीं हो तो दूसरा रास्ता भी है, अभी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो 28 है आ चुका है ना, सिंक्रोनाइज से पहले 28 नहीं था, बिकॉज यहाँ पे 28 है। तो यहाँ पे जाकर 28 पे F6 कर देना, और यहाँ पे जाके मैंने इसका ड्रॉइंग को चेंज करना। ड्रॉइंग देखोगे ये 3 ड्रॉइंग यहाँ पे यूज फ्रेम में करोगे तो ये यहाँ पे 3 ड्रॉइंग बनी है। अब आपको लगेगा ये 3 ड्रॉइंग कैसे बनी, अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर जाओगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे 3 ड्रॉइंग बनी है। ये 3 ड्रॉइंग मैंने पहले से बना के रखी है, आपको पहले से तैयारी करके रखनी होती है, या फिर बाद में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये वाला ड्रॉइंग लगा दिया। और ये वाला ड्रॉइंग लगाने के बाद बाहर आता हूँ, तो नॉर्मली मेरा जो लास्ट है मेरा यहाँ पे, तो इसके अंदर जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, और इसको मैंने इज आउट कर दिया। इज आउट जैसे ही करता हूँ यहाँ पे, इसको ऊपर की ओर इस तरह कर देता हूँ, इस तरह ऊपर की ओर करता हूँ ऐसा। तो इससे क्या हुआ, ये इस तरह ऊपर की ओर हो चुका है ऐसा। अभी मैं प्रॉपर बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे हम यहाँ पे इस तरह ऊपर की ओर आते हैं, तो ये देखो ये इस तरह यहाँ पे मिलेगा इतना। तो इतना कर दिया, अगर मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा नीचे करना है, तो यहीं पर आना है और इसको नीचे ही रखना है। और यहाँ पे देखोगे ये इस तरह ऊपर की ओर हो चुका है, यहाँ पे इस तरह ड्रॉइंग बदले यूँ। अब जैसा हमने इतना कर दिया, लेकिन हमें अभी जो गोला है इसको हमने नहीं किया है, साथ में जो यहाँ से आपको दिख रहा है ये भी नहीं किया। अभी इसके अंदर जाऊंगा, प्रॉपर तरीके से काम करूंगा। तो सबसे पहले तो जो नीचे वाला जो मास्किंग है इसको भी मैं ऊपर की ओर उठा सकता हूँ, इतना उठा दिया मैंने, ठीक है। और दूसरा, और जो इसका गोला है, तो गोले वाला लेयर ये है, यहाँ पे मुझे मास्क को यहाँ से बंद करके रखना होगा, तो गोला वाला लेयर ये है, तो गोले को मैं ऊपर की ओर करूंगा यूँ। तो आप यहाँ पे भी देखोगे किस तरह यहाँ पे ऊपर की ओर हुआ गोला, तो यहाँ पे भी मैंने गोले को ऊपर किया यूँ, तो बाकी ये अंदर छुपा है। तो ये हो चुका है, और सेम हमें यहाँ पे भी करना है दूसरे वाले पे। यहाँ पे आया, थोड़ा पीछे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखोगे नॉर्मली यहाँ पे गोले वाला लेयर कौन सा है, ऊपर वाले को मैंने ब्लॉक कर दिया, नीचे वाले को यहाँ पे आके गोले को भी ऊपर ले लिया। आप यहाँ पे क्योंकि सेम चलता है ना, यहाँ पे देखोगे गोला भी ऊपर है, दोनों गोले ऊपर है, तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। तो अभी इतना अपना इतना हो चुका है, तो अभी यहाँ पे देखोगे जो नॉर्मली अपना जो यहाँ पे फेस है इस तरह है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने वाले इस वाले करेक्टर पे देखोगे, मैं पीछे करता हूँ, तो अपना ये इतना हो चुका है ऐसा, ऊपर की ओर देख रहा है। तो अभी गाइस बाहर आओगे ना, तो जब बाहर आओगे तो इस तरह, जब ये नीचे करेगा फिर ऊपर की ओर देखेगा, तो इस तरह लगेगा आपको।
तो यहाँ पे देखोगे किस तरह यहाँ पे अच्छे से एनिमेशन हो गया फेस का। तो इस तरह आपको क्वालिटी बढ़ाने के लिए अंदर जाके काम करना होता है। तो इस तरह ये देखता है और इस तरह ऊपर की ओर देखता है। तो ये देखोगे अगर ऑडियो के साथ चलाऊंगा ना तो काफी अच्छा लगेगा, स्मूथ लगेगा। मैं भी तो देखूं। तो ये होता है। तो इस तरह आपको आईज के साथ भी खेल सकते हो, ये जो आईज रहता है इसके साथ अच्छे से खेल सकते हो। बाकी रहता है दूसरे टाइप के आईज, उसको आपको फ्रेम बाय फ्रेम भी कर सकते हो, तीन तीन ड्राइंग का। वो देखो गाइस, एक बार टेक्निक सीख जाते हैं ना तो नीचे लेवल का तो आप कर ही लोगे। तो ये हो चुका है इतना सा, ये यहाँ से बोल रहा है इतना भी तो देखू, मैं भी तो देखूं, है ना, इतना बोल रहा। तो इसके अंदर जाके मैं थोड़ा सा और एक एनिमेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मली इसको पकड़ा, यहाँ पे इतना किया और इसको थोड़ा सा फेस पे काम करने के लिए तीन की लगा दिया है। ठीक है, मेरा टेक्निक बिल्कुल इस नॉर्मल होता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है, आपको ही पता है। सॉरी, रिजॉर्ट नहीं देना था, तो आपको ही पता है। बाकी गाइज कोई भी प्रॉब्लम है, आज लाइव आने वाला हूँ, पता नहीं ये वीडियो कब तक पड़ेगा, बिकॉज ये पहले से लेट हो चुका है। तो बट आज लाइव आऊंगा, तो लाइव आऊंगा तो वो गूगल मीट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं सबका रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, सबका एक रंग का क्वेश्चन रहता है। तो हम लाइव आके आपस में बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरा कोशिश रहता है कि फ्री में आप जितना सीख सको उतना अच्छा है। बाकी गाइस पैसा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको कम्प्लीटली आप प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो। तो इतना कर दिया, और ये यहाँ पे देखोगे इतना सी चीज हो चुका है। ये बोलते हैं मैं भी तो देखूं इतना सा, या फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा और करता रहेगा। तो मैंने क्या करना, कुछ नहीं करना होता है, इसी को मुझे उठा के आगे लाना होता है, बट सिंक्रोनाइज जरूर कर देना इसके बाद, बिकॉज लिपसिंग हुआ है ना। तो इतना कर दिया, जब मैं इतना कर लेता हूँ, आगे उठा के कर लेता हूँ, उठा देता हूँ, तो मुझे राइट क्लिक करके इसको सिंक्रोनाइज जरूर करना, सेलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज जरूर करना है। ठीक है, इतना सा कर दिया मैंने सिंक्रोनाइज, और इस सिंक्रोनाइज करने के बाद मैं बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद यहाँ पे जो अगला डायलॉग है ये सुनता हूँ कैसा है। और गाइज मैं हमेशा बताता हूँ इसमें के बीच में एक और चीज को ऐड करता हूं, जैसे ये फेस है इस तरह हो रहा है और इसके बाद इस तरह कर रहा है। तो यहां पे आप एक, अगर आप चाहो तो आप यहां पे एक क्लासिक ट्विन दे सकते हो। तो नॉर्मली जैसे मैंने यहां पे इसके बीच में आप सीधा यहां से भी लगा सकते हो, तो मैंने सीधा ये लगा दिया क्लासिक ट्विन और रिजॉर्ट कर दिया। और इस पे नॉर्मली मैं यहाँ पे सबको अपर बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, और लेकिन यहाँ पे ज्यादा मूव नहीं करना है। यहाँ पे मैंने नॉर्मली की को यहाँ पे रख लिया, और इसको ये सब टेक्निक रहता है, वो टेक्निक आपको बस आना चाहिए। इस तरह मैंने कर दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर किया, और इस हाथ को थोड़ा सा आगे की ओर किया, बाकी करने की जरूरत नहीं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा फील आएगा, थोड़ा सा मामूली सा फील आएगा, जो आपके क्वालिटी बढ़ा देगा एनिमेशन का। और इसके बाद जो अगला डायलॉग, अगला जो सेंटेंस बोलता है, क्या सच में इस गणित का इस तरह, तो ये बोलता है। तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, वेट, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी देखना कि यहाँ पे जब ये इस तरह ऊपर करता है, यहाँ पे ऊपर करता है, तो इसके बाद यहाँ पे ये जो ड्राइंग बदल रहा है इसके अंदर का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जब हम इसके अंदर जाएंगे, पहले मैं इसको ठीक करता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे नॉर्मली मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वाले पे आता हूँ, इसके अंदर चला गया। तो अभी जो ये वाला जो अपना एनिमेशन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे ये किस तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पे नॉर्मली मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे इस पे की लगा है। यहाँ पे देखोगे इस तरह यहाँ पे वो लगा है, मतलब ट्विन लगा है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये और ये सेम सिंबल था, तो हमने इस पे इसको डुप्लीकेट नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ पे लॉक करके रखता हूँ ताकि ये काम ना करे। मैं इसको भूल गया डुप्लीकेट करना, तो वो बात ये अलग है कि अगर, क्योंकि इस पे वाले में मैंने सेम काम किया ना, तो वही काम उस पे वाले पे हो गया, तो दोनों एक ही सिंबल था। तो अभी आप बाहर आओगे तो अब यहाँ पे नहीं होगा, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अब नहीं हो पाएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो अभी नॉर्मल है। ठीक है, इतना सा हो चुका है। अब ये बोलेगा कि मैं भी तो देखूं, यहाँ से बोलेगा क्या सच में इस गणित, क्या सच में, क्या इस सच में। अभी आप पीछे वाला देखेंगे एक्चुअली में एनिमेशन, तो ये इस तरह है, वापस ये फिर अपनी जगह आ जाता है। फिर ये क्या करता है, वापस आता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इतने पे लगा देता हूँ कि, वैसे यहाँ पे मुझे लगाने की जरूरत नहीं है कि, तो ये पहले से लगी है, तो मैं इसी को रखता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे इतना लगभग इतने पे मैंने की लगा दिया, और इसमें की लगाने पर राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन देना, सेम वैसा ही। इसलिए कहता हूँ बच्चा भी ये काम कर सकता है, लेकिन स्मार्ट तरीका आना चाहिए। सॉफ्टवेयर सीखना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है आपका टेक्निक सीखना, किस तरह आप एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो 8 मिनट का, वो आपको सीखना जरूरी है। तो वो मैं सिखाता हूँ, अगर पैसा नहीं है तो फ्री में सीखिए। कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट में मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ना कि डिमांड कीजिए, प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया, और नीचे करने के बाद मैं इसके अंदर आता हूँ। पिछला वाला मुझे की हमेशा याद रखना, क्योंकि जब अंदर जाते हो ताकि हमें की लगा सके, 48 पे है, तो मैंने यहाँ पे
इसके अंदर जाके फर्स्ट की तो मुझे वहीं लगाना है और सेकंड की मुझे 48 पे लगाना है। तो यहाँ पे आया 48 पे जाके F6 कर दिया और F6 करने के बाद इसको इजआउट कर दिया। इजआउट करने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैंने थोड़ा नीचे की ओर तरफ कर दिया यूँ। और इतना करने के बाद इसके अंदर जाऊँगा तो ये हाथ कब तो कर रहा है आगे वाले हाथ का, तो F6 कर दिया यहाँ पे आके। ये धीरे धीरे आप जब इस पर काम करोगे ना सिंबल पे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं बॉन्ड टूल के साथ का, बॉन्ड टूल से कोई काम नहीं करता है। वो मोशन ग्राफिक में यूज़ हो सकता है लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन में यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, जो आप स्टोरी टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं। और ये इस तरह हो चुका है ऐसा। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ और इस तरह हो चुका है ऐसा, ये हो चुका है इतना, अभी इस तरफ आगे हो चुका है। और ये करने के बाद यहाँ पे मैं फेस को नॉर्मली इसको नीचे लाता हूँ अपनी जगह पे, तो यहाँ नीचे लाऊंगा, ऊपर है तो ऊपर लाऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे नॉर्मल एक्चुअली नीचे आ चुका है इतना, बस मुझे फेस के अंदर काम करना। पिछला वाला मुझे याद रखना 48 पे है, तो आगे आया, आगे आके यहाँ पे मुझे की लगा देना सेम। ये फेस के अंदर गया हूँ गाइस, ठीक है, फेस के अंदर गया हूँ तो मैंने यहाँ पे 48 पे की लगा देना, 48 पे की लगाना है। F6 के साथ की लगता है, इतना तो आपको पता ही होगा, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन नए सब्सक्राइबर है तो आप प्लीज़ पहले पुराने वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा। यहाँ से इज आउट कर दिया, इज आउट करने के बाद ये पूरा फेस को अपनी जगह लाना है वापस। आप पीछे से भी की उठा सकते हैं लेकिन मैं नॉर्मल इसको अपनी जगह लाता हूँ वापस, तो इतना ये अपनी जगह आ चुका है। और ये जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, इसको मैंने यहाँ पे अपनी जगह ला दिया और इसको थोड़ा सा कान को ऊपर की ओर कर दिया, नॉर्मल इतना किया, तो ये यहाँ पे देखो को इतना आ चुका है ऐसा। तो पर लेकिन यहाँ पे देखोगे ये आईज पे भी हमें काम करना है, तो इसके अंदर चला गया, तो सबसे पहले इसके अंदर जाना है, यहाँ पे F6 करना है ऊपर, जो अपना ऊपर वाला आईब्रो है इस पे F6 किया और यहाँ पे आके पीछे 48 पे, लगभग 48 पे आपने F6 कर दिया। F6 करने के बाद यहाँ पे इसको इज आउट कर दिया, इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, इसको थोड़ा ऊपर की ओर उठा दिया, नॉर्मल इतना उठा दिया। और यहाँ पे आप देखोगे जब मैं इसको बंद करता हूँ, लॉक करता हूँ, इसको भी लॉक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ऊपर की ओर उठता है, लेकिन नीचे आपको ये वाला पार्ट भी उठाना है। तो इसको मैंने F6 कर दिया और यहाँ पे मैंने F6 कर दिया और नीचे भी F6 कर दिया और शेप ट्यून दे दिया। शेप ट्यून में भी आप इजॉर्ड दे सकते हैं, अगर देना चाहते हो तो इजॉर्ड दे सकते हो, मैंने इजॉर्ड दे दिया और यहाँ पे ये इजिली ऊपर की ओर उठ चुका है ऐसा। और यहाँ पे मैंने इजॉर्ड दे देना है, इस पर इजॉर्ड दिया ही है पहले से, तो ये इस तरह ऊपर की ओर उठ चुका है ऐसा। तो ऐसा उठने के बाद जो ये गोला है, गोले को हमने अपनी जगह पर रखना है, तो मैंने यहाँ पे अनसेलेक्ट किया और यहाँ पे जो मास्क है पहले इसको हटा दिया, और जो गोले है गोले पे मैंने यहाँ पे F6 कर दिया। और मुझे नॉर्मल कहाँ लाना है गोला, अपनी जगह पे यहाँ पे, तो मैंने यही वाले गोले को कॉपी कर देना ऑल्ट के साथ आगे। तो ये सब तब आता है आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं आपके साथ रहता हूं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखाता हूं, यहां पे इरिटेट होने का कोई चांस ही नहीं होता क्लास में। बट गाइस प्रैक्टिस आपको करना है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी कर दी, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं सीख पाते हो, वरना आप नॉर्मली सीखिए, बिकॉज क्लास में ज्वाइन करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि मुझे पता है आपको 30 दिन के अंदर एनिमेटर कैसे बनाना है। तो इस तरह ये ऊपर की ओर हो चुका है यूं, तो मैंने इस तरह कर दिया, तो आप यहां पे देखोगे तो ये पहला आइज देखोगे तो इस तरह हो चुका है ऐसा। तो अभी इतना होने के बाद ये इसको मैं थोड़ा सा ये वाले पैच को थोड़ा सा इतना रखता हूँ, अब मैं बाहर आता हूँ तो आप देखोगे किस तरह ये इस तरह हो चुका है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इसका पार्ट आ रहा है ना यहाँ पे इस तरफ, इसको मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ। ये सारी टेक्निक आप अपने चैनल अपने करेक्टर पे यूज़ करना, अगर आपके पास करेक्टर नहीं है तो ऑलरेडी मैं सिखाया भी हूँ। तो ये कर दिया मैंने इस तरह ऐसा और नीचे आया, और सेम मुझे इस पर भी ऐसा ही करना है। तो मुझे यहाँ पे लगभग स्टार्टिंग में ही ड्राइंग को चेंज करना होता है। यहाँ पे आया और यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे आके इस पे F6 किया और पीछे मैंने 58 पे जाके F6 किया और क्लासिक ट्विन दे दिया और इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद सेम मुझे यहाँ पे भी नॉर्मल इतना कर दिया। पहले तो मुझे की बदलना है, की कितने पे बदलना है, लगभग 50 पे बदलेंगे क्योंकि इज आउट किया ना, और इज आउट पे हम यहाँ पे करेंगे तो 58 पे यहाँ पे देख लेता हूँ बार कहाँ पे है, 50 पे बदल देता हूँ सॉरी। और इसके अंदर चला गया और मैंने यहाँ पे 50 पे F6 किया और 50 पे F6 किया, और F6 करने के बाद इसको यहाँ से यूज फ्रेम भी कर सकते हैं। मैंने एक कर दिया, इसके बाद एक करने के बाद मैं बाहर आया और मैंने देखा यहाँ पे इस तरह ये एक हो चुका है। और इसके बाद मैं नॉर्मली इसको ऊपर क्योर कर रहा हूँ, नॉर्मल इतना, ठीक है, इतना ही कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। तो ये देखोगे यहाँ पे इस तरह ये चेंज हो चुका है, यूँ ये हो चुका है। और थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल दिखे, इतना ला दिया यूँ और नीचे लाया तो ये यहाँ पे नॉर्मल नीचे की ओर हो चुका है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ इतना, तो ये नीचे नॉर्मल नॉर्मल इतना हो चुका है। तो ये ड्राइंग बदल चुका है इतना। तो अब मुझे जो यहाँ पे जो ये आईबॉल है, आईबॉल पे भी मुझे यहाँ पे F6 करना है। नीचे आईबॉल पे मैंने F6 किया, पीछे भी मुझे F6 करना है, लेकिन मुझे जो आईबॉल पे ये गोला चाहिए मुझे यहाँ चाहिए। तो इसी वाले की को, जो ये वाला की है, ये वाले की को ऑल्ट के साथ मैं आगे उठाता हूँ
और यहाँ पे मैं क्लासिक ट्विन दे देता हूँ। क्लासिक ट्विन देने के बाद सेम आप इज आउट कर सकते हैं, तो आई बॉल अपनी जगह आ जाएगा। तो आई बॉल अपनी जगह आ चुका है, लेकिन अब आपको यहाँ पे बंद करना है। और बंद करने के बाद यहाँ पे ये भी देखना है कि जैसे देखो ये नीचे आता है, तो यहाँ से ये वाला ड्रॉइंग भी नीचे आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अलग से आपने इस तरह किया। तो गाइज अगर आपको मतलब आई ब्लिंकिंग पता नहीं है, तो पहले आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखे तभी आपको पता लगेगा ये मैं करके आ रहा हूँ, वरना आपके पल्ले नहीं पड़ेगी ये चीज़ें। तो मैंने इस तरह नीचे कर दिया, तो अभी देखोगे इस तरह ये नीचे की ओर आ चुका अपने आप। तो इस तरह आ चुका है, और यहाँ पे देखोगे एक आईज ऊपर है, इस तरह नीचे की ओर आ चुका है इतना। तो सेम मैं यहाँ पे भी यही करता हूँ, इस वाले पे भी, ये वाले को भी मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आया इतना, नॉर्मल इतना कर दिया, इतना ठीक है, इतना कर दिया। और सबको मैंने यहाँ पे हटा दिया और इसको भी लॉक कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह नीचे की ओर आ चुका है ऐसा। पर लेकिन जो ये वाला है इसको मैं ज़्यादा कर दिया ऊपर, तो इतना कर देना। अब आप बाहर आओगे तो बाहर देखोगे पहले कितना कैसा काम हुआ। तो यहाँ पे देखोगे आप किस तरह काम हुआ, इस तरह ये नीचे की ओर आ चुका है। तो ये बोल रहा है, अच्छा मैं देखता हूँ एक बार, वॉइस ओवर सुनाता हूँ क्या बोल रहा है। क्या सच में इस गणित का इस तरह बात कर रहा है? तो यहाँ पे बोल रहा है क्या इसमें सच में ऐसा। तो ये करने के बाद यहाँ पे आप एक बार फिर से वो 3 की लगा सकते हो, 3 की वाला एनिमेशन। तो यहाँ पे इतना कर दिया, और यहाँ पे भी एफसिस कर दिया, और यहाँ पे भी सॉरी मेरी दो की है, 1 की एक्स्ट्रा लग गई। राइट क्लिक करके इसको क्लियर कर सकते हैं, क्लियर की फ्रेम। और यहाँ पे आया और थोड़ा सा आगे ले गया, थोड़ा सा आगे ले गया इतना, और इसको क्लिक किया और F6 कर दिया। राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आया और सबको सेलेक्ट कर दिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद यूँ, और इसको थोड़ा सा मामूली सा नीचे करना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा अगर लोगे ना, सॉरी कंट्रोल जेड कर लिया क्योंकि इस साइड चला गया, तो नीचे कर देना। ज़्यादा करोगे तो काफ़ी अजीब लगेगा, तो मैंने नॉर्मली इसको इतना कर दिया, इतना कर दिया। और थोड़ा सा और लाना है, तो सबको सेलेक्ट कर दिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद इसको नीचे की ओर किया, तो ये इतना नॉर्मल सा हो गया। तो मैंने इसको सबको सबको राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट के साथ उठाया, आगे ला दिया। अब आपको पता है जब हम आगे लाते हैं तो इसका वो ड्राइंग चेंज हो जाता है यहाँ पे, यानी कि जो अपना नंबर है वो चेंज हो जाता है। 58 है लेकिन यहाँ पे 64 है, तो इसको हमें 64 चाहिए ताकि लिपसिंग मैच हो। अगर आपने लिपसिंग पे वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं पुराने वीडियो मेरा, मैं पहले बताया हूँ। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो ठीक है, लेकिन नए तो प्लीज़ पुराने वीडियो देखिए, 100 से ज़्यादा लेक्चर दिया हूँ। राइट क्लिक करके और सेलेक्ट ऑल फ्रेम किया, और इसके बाद मैं फिर से राइट क्लिक किया और इसको सिंक्रोनाइज कर दिया। जैसे सिंक्रोनाइज करूंगा इस तरह हो जाएगा, तो ये कर दिया। और आप यहाँ पे देखोगे कैसे बात कर रहा है, तो इतना हो चुका है यहाँ पे। तो फिर इसके बाद नीचे आया, अभी मैं पीछे वाले को अगर मैं फॉलो करूँ तो इस तरह ये बात कर रहा है, लेकिन मैं अपने से भी यहाँ से कर सकता हूँ। तो इतना कर दिया, और ये करने के बाद जब ये नीचे आता है फिर ये नीचे इस तरह करता है। और यहाँ पे मैं नॉर्मल इस वाले को मैं यहाँ पे F6 करूँगा, और इतना कम से कम मैं इतना करता हूँ। इतने वाले को मैं सबसे ये लंबा वाला ट्विन देता हूँ। लंबा वाला ट्विन देने के बाद मैं इसको ऊपर करता हूँ, और थोड़ा सा इसको जैसे पीछे की ओर आया ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसको नॉर्मली यहाँ पे की लगाया, और इसको वैसे नज़दीक के आके करोगे क्योंकि नज़दीक से ना जल्दी अच्छा होता है, मतलब जितना हो आप करना चाहते हो थोड़ा सा, इतना मामूली सा कर लेना, इतना मामूली सा कर देना। इससे क्या हुआ, ऐसा लगता है कि आगे की ओर आधा बात करते करते, ठीक है। जब डायलॉग चालू करूँगा ना मैं, तब आपको पता लगेगा। जब से मैं लास्ट में आया और साथ में नज़दीक किया और क्यू प्रेस किया, तो क्यू प्रेस से ये आ जाता है। उम्मीद है गाइस आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता रहेगा, अगर नए हो तो सबसे पहले टूल वाला भी देख सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मेरे वीडियो में, जहाँ पे भी आप जाओगे तो इतना हो गया। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरह आगे की ओर कर रहा है यूँ, इतना सा हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा लगभग इतने पे आके, इतने पे F6 कर दिया और यहाँ पे भी F6 कर दिया। ये थोड़ा सा मैं एक्टिंग को यहाँ पे अलग कर रहा हूँ, मतलब ट्विन लगा के, ये मैं पुराने में भी नहीं सिखाया हूँ। तो ऐसा आप खुद एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मुझे पता है किस तरह करते हैं, ताकि थोड़ा सा जो फील आता है, आप देखोगे करेक्टर बात करते करते यहाँ से जब मूव करते थोड़ा सा हिल रहा है, तो वो उस करने के लिए। और यही काम मार्केट में बहुत चलता है, 8 मिनट का स्टोरी 15-15 हज़ार का आप आराम से कमा सकते हो। और जुगाड़ तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ कि एक दिन में कैसे काम करना है, एक दिन में, दो दिन में, सॉरी एक दो दिन में स्टोरी क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। तो इतना कर दिया, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, बीच में बीच 3 की लगाया और नीचे लाया, और एक बार देख लेना कितना नीचे किया, इतना नीचे किया हूँ। और ये फेस को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, रोटेट के साथ थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, और हाथ को भी यहाँ पे इस तरफ कर दिया, और इस हाथ को मैंने इस तरफ कर दिया। और ये करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे इस तरह नीचे झुका, और ये अभी कम झुका है, तो मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया और इसको क्यू प्रेस किया और पॉइंट को यहाँ पे रखा, और पॉइंट को यहाँ पे रखने के बाद इसको और नीचे किया। तो आप यहाँ पे देखोगे इस तरह नीचे झुका, और जब ये नीचे झुका इतना, और इतना थोड़ा ज़्यादा झुक गया गाइस, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद यहाँ पे आया, थोड़ा सा मामूली से ऊपर उठा दिया, और इतना उठाने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकता है, इसको रोटेट किया। और यहाँ पे जो लास्ट पे है ना,
लास्ट में मैंने क्या किया, इसको सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे रखा और इसको थोड़ा सा पीछे की ओर कर दिया और इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा ऊपर उठा दिया। तो यहाँ पे कैसा किया इसने, नीचे झुका और पीछे की ओर आ चुका ऐसा, ये और इसके बाद पीछे की ओर, ये नीचे की ओर आया और ये काफ़ी मतलब नीचे की ओर प्रेस हो रहा है, तो मैं नॉर्मली इतना करता हूँ और इतना यहाँ पे ये नीचे की ओर झुका और यहाँ पे मेरा इज इन लगा, यहाँ पे इज आउट लगा है, दोनों में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी में जो आता है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इज इन और इज आउट लगा है, तो अभी ये कैसे करेगा, नीचे आएगा इस तरह पीछे की ओर हो जाएगा, तो नॉर्मली मैं इसको यहाँ से बाहर की ओर ही कर सकता हूँ हाथ को, तो मैंने इतना बाहर की ओर किया, तो ये इतना हो चुका है यहाँ पे ऐसा, ये इसने पीछे की ओर किया यूं और ये पीछे की ओर किया। और यहाँ पे भी मुझे फेस पे काम करना है, तो फेस पे अंदर जाऊँगा और यहाँ मुझे पिछला की याद रखना कितना 73 पे, अगला की मुझे याद रखना 86 पे, तो 73 और 86 और बीच में जब डबल क्लिक करते तो अंदर जाते तो प्रॉपर कील तो लगी जाती है बीच वाली, पीछे 76 पे था, सॉरी मैं एक बार देखता हूँ कि कितने पे था, 73 पे, आगे 86 पे, 73 यहाँ आता है, तो 73 में सबको ऐसा सेलेक्ट करना है, F6 कर देना, राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया यहाँ पे भी, और आगे कितना 86 पे, 86 पे F6 कर दिया, सबको सेलेक्ट करने क्लासिक ट्विन दे दिया, और वेट ऊपर छूट चुका है ऐसा, पूरे ध्यान से देख लेना। और मैंने एक को सेलेक्ट किया, एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक को इज आउट कर दिया, फिर दूसरे को सिलेक्ट किया, एक को इज इन कर दिया, ऐसा आप सिलेक्ट कर देना और इसके बाद बीच में आना। बीच में आने के बाद मैंने आईज नोज लिप्स को सबको पकड़ा, जो जो पार्ट अंदर है उसको नीचे की ओर प्रेस किया, नीचे को प्रेस किया और कान को मैं थोड़ा ऊपर की ओर कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो ये चीज़ें बनी है इसको मैं थोड़ा बाहर की ओर करूँगा, और यहाँ पे आईज को बंद करना है, आईज के अंदर चला गया रेफरेंस के लिए, यहाँ पे F6 कर दिया और मुझे यहाँ पे आई ब्लिंकिंग करना है, तो आई ब्लिंकिंग मुझे ये वाला नहीं, मुझे ये वाला आई ब्लिंकिंग करना है जो यहाँ पे है, तो मुझे ये वाला उठा देना आई ब्लिंकिंग, आई ब्लिंकिंग कंट्रोल करना मैं पहले सिखाया हूँ, जाके आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखना, ऑल्ट के साथ उठाया और यहाँ पे रख लिया, जब आप आगे रखते हो ना तो ये थोड़ा कई बार जर्क आता है, तो आपको इस जर्क को कैसे हटाना होता है, इस वाले की पे आना है, राइट क्लिक करना है, क्लियर की फ्रेम करना है और ऊपर आईब्रो वाले पे F6 करके फिर से की लगाना है, तो ऊपर देखो इस पे हट चुका है, लेकिन नीचे सेम गोले पे भी आपने यही ध्यान देना है, तो जैसे गोले वाला की ये है, तो मैंने राइट क्लिक किया, क्लास इन ट्विन दे दिया, या इस पर क्लियर कर दिया, फिर इसको दोबारा लगा दिया, तो गोले में भी मैच हो चुका है, सेम यहाँ पे भी जहाँ पे अपना मास्क हो रहा है, तो यहाँ पे मास्क कह रहा हूँ, शेप शेप में काम हुआ है, शेप में भी सेम करना है, क्लियर की फ्रेम, राइट क्लिक करा, F6 किया और दोबारा शेप ट्विन दे दिया, तो इस तरह अपना जर्क हट जाएगा, जो अपना यहाँ पे जर्क आ रहा था ना वो हट जाता है, इतना कर दिया इतना, तो सेम आपको यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, यहाँ पे आए और यहाँ पे रेफरेंस के लिए F6 किया और पीछे मैंने ये वाला जो आई ब्लिंकिंग ये उठाया, धीरे धीरे ना आपको काम करने के साथ साथ आएगा, बिना प्रैक्टिस के कभी कुछ आता नहीं है, तो ये कर दिया और सेम अभी आप देखोगे यहाँ पे जरक है, दोनों में जरक है, तो इसको जरक को हटाने के लिए यहाँ पे आए, इसको क्लियर की फ्रेम किया, F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया, पेस्टिंग सॉरी F6 करके यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन देने के बाद सेम जो गोला है गोले पे भी आपने क्लियर की फ्रेम कर दिया और F6 किया और क्लासिक ट्विन दे दिया, सेम नीचे भी जहाँ पे शेप ट्विन यूज हुआ यहाँ पे भी क्लियर की फ्रेम किया और क्लियर की फ्रेम करने के बाद, क्योंकि गाइज यहाँ पे देखोगे ना अगर, तो यहाँ पे देखोगे शेप में भी जरक आ रहा है, तो ये जो दो कीम है तो इसको मैंने क्लियर की फ्रेम कर दिया, क्लियर की फ्रेम करके F6 करना फिर से, फिर शेप ट्विन दे देना, फिर अभी देखोगे जरक नहीं आएगा, तो अभी ये नॉर्मली ऐसा होगा, इस तरह होगा, अभी यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे देखो किस तरह ये जर्क मार रहा है, तो ये आपको यहाँ पे देखना कैसे, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये इस तरह आ रहा है, अदरवाइज क्या कभी अगर ऐसा होता है आपके केस में, तो आपको क्या करना है, सबको ही हटा देना, सबको हटा दिया, यहाँ पे आए और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मली सबको हटा दिया, क्योंकि कितना टाइम लगेगा इस पर ऊपर वाले पे करने के लिए, तो मैंने सबको यहाँ पे हटा के क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे आया और सबको मैंने नीचे की ओर किया यूं, तो ये इस तरह नीचे ऊपर यूं हो जाएगा, एक बार आप बाहर आके देख लेना पहले कि कितना नीचे हुआ है, पता लगा ये काफ़ी नीचे हो चुका है इतना, जैसे मुझे यहाँ पे पता लग रहा है, तो इसको नॉर्मली मुझे इतना करना है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये नीचे की ओर आया और इस तरह ये ऊपर की ओर चुका है, ऊपर भी देखो कहाँ कितना हुआ है, फिर से अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने आइज को संभाल दिया इतना, तो ये थोड़ा सा ऊपर कर देता है इतना, तो इतना हो चुका है, तो यहाँ पे देखोगे आप किस तरह ये ऐसा हो चुका है, तो ये सेम आप देखोगे बाहर जो मेन लेयर है, तो यहाँ पे कैसा काम हुआ, ये इस तरह नीचे की ओर फिर ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर फिर ऊपर की ओर, यहाँ पे बस फेस को थोड़ा सा काम करना है, फेस को थोड़ा सा रोटेट कर देना ऊपर की ओर, तो यहाँ पे ये जैसे आएगा नीचे ये और इसके बाद इस तरह,
इस तरह ऊपर की ओर हो चुका है ऐसा। जब ये पीछे की ओर आता है ना, तो ये वाला जो ग्राफिक है, सिंबल है ना, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे आगे आके, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इस तरफ। इस तरफ जब रोटेट करता हूँ तो ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ जब झुकता है तो इस तरह पीछे की ओर हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना इस वाले पे, किस तरह ये पीछे की ओर हो जाता है ऐसा। तो ये काम आपको तभी मिलता है, ये काम फ्रीडम आपको तभी मिलता है जब आप एक नॉर्मल सिंबल के अंदर काम करते हैं, ना कि एक टून वो बॉन्ड टूल लगा के। तो ये बॉन्ड टूल बिल्कुल गलत है, अगर मेरे हिसाब से गलत है और बाकी और के हिसाब से भी गलत है जो एनिमेटर को पता है कि एनिमेशन कैसे होता है। बॉन्ड टूल खाली आफ्टर इफेक्ट में यूज हो सकता है और या फिर मोशन ग्राफिक में भी यूज हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। तो ये कर दिया मैंने इतना, और इसके बाद आपको नॉर्मल ये वाला की लगा सकते हो। तो इतना वाला की लगा दिया, यहाँ पे भी देखोगे ऊपर यहाँ पे आईज भी ये वाला चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर जाऊँगा मैं, ये बस अंदर दिक्कत रहता है इसका, तो ये आपको यहाँ पे सिंगल फ्रेम करके रखना, सिंगल फ्रेम करके रखो क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको सिंगल फ्रेम करके रखा तो अब आगे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे बाहर आए तो मैंने यहाँ पे की लगाया और सबको मैंने यहाँ पे जाके क्लासी ट्विन दिया। क्लासी ट्विन देने के बाद यहाँ पे इज आउट किया, यहाँ पे मैं नॉर्मली एक मोशन दूंगा इसको, थोड़ा सा सॉरी फील दूंगा कि ये थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो इस तरह ये यहाँ पे आया और इसको मैंने जैसे पीछे की ओर हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे की ओर हो रहा है, तो मैंने इसको बस यहाँ से पॉइंट को नीचे रखा और इतना रख लिया, मामूली सा आगे लाया, ज़्यादा नहीं लाना। अगर ज़्यादा हो भी जाता है तो हमें उस चीज़ को हटा देना है। तो इस तरह मैं इसको थोड़ा सा बाहर की ओर लाता हूँ, मामूली से इसको भी बाहर की ओर निकाला। तो अभी आप देखोगे जब ये पीछे की ओर आता है ना यूँ, तो इसके बाद ये थोड़ा सा आगे की ओर आ रहा है ऐसा। तो इतना सा मैं काम कर लेता हूँ। अभी आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखोगे ना अगर, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी लेयर करता हूँ, और कॉपी लेयर करने के बाद मैं बाहर सीन पे आता हूँ, मेन सीन पे आता हूँ। हम बिल्कुल ही सिंबल के अंदर जाके काम करते हैं, एक सीन पे बाहर रखते हैं। तो पेस्टिंग प्लेस कर दिया और लगभग मैंने इतना इसको ऑडियो दे दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे नगर किस तरह एनिमेशन हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे इतना रखता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। एक्चुअली मैं मुझे आपको इसका फेस का दिखाना है, पहले लॉन्ग पूरा दिखा देता हूँ किस तरह हुआ है। पहले इसको पूरा दिखाता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे, इस तरह कर दिया और यहाँ से बंद कर देता हूँ तो आपको नजर आएगा। मैं भी तो देखू क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब मैं नजदीक जाऊंगा, नजदीक में आपको पता लगेगा किस तरह काम हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि फेस में कैसे काम हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर तरीके से कि फेस में कैसे काम हुआ है, थोड़ा इतना नजदीक रखता हूँ ताकि पता लग जाए आपको। तो देखो किस तरह ये ड्राइंग बदला फेस का, आईज का। तो इस तरह मतलब ये इस तरह धीरे धीरे करके आप इतना क्वालिटी दे सकते हैं, अच्छा इससे भी बेटर दे सकते हैं, बट मैं आपको बस खाली टेक्निक दिखा रहा हूँ किस तरह इसने अपने आईज का जो ड्राइंग है ना बदला और किस तरह भी वापस अपने अपनी जगह आया। इस तरह आप एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है।